नमस्कार दोस्तों, एक बार और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एसएससी की तरफ से कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2022 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसकी 4/1/2023 लास्ट डेट है। इससे पहले आप आपका आवेदन कर ले और लास्ट डेट का बिल्कुल भी इंतजार ना करें। तो जो एग्जामिनेशन की डेट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं टीयर 1 के लिए फरवरी मार्च 2023 बताया जा रहा है। बाकी यहाँ पर 2 टीयरों में आपका एग्जाम होगा। पहले टीयर 1 लिया जाएगा, इसमें कुछ लोगों को छांटा जाएगा, फिर उनसे टीयर 2 एग्जाम लेकर उनका फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। इस तरह से यहाँ पर पे स्केल देख सकते हैं, 19,900 से लेकर के 63,200 लोअर डिवीजन क्लर्क का बताया गया है। वहीं जूनियर सेक्रेटरियन असिस्टेंट यानी कि JSA का भी यहाँ पर पे लेवल 2 दिया गया है, और DEO का भी यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर का भी आपको देखने को मिल जाएगा। वैकेंसी का जो अप्रोक्स है वो 4,500 बताई जा रही है ना, आगे जो है कम या ज़्यादा भी हो सकती है। वैसे कम तो होगी नहीं, ज़्यादा ही होने की जो है पूरी पूरे यहाँ पर चांसेस रहते हैं। यहाँ पर जो है 70 पेज का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। कैसे अप्लाई करना है तो आपको SSC.NIC की वेबसाइट पर जाना है। फिर उसके बाद में एप्लीकेशन फीस यहाँ पर 100 रुपीज़ मात्र है, और ST SC और फीमेल के लिए तो ये भी आपका नहीं लगेगा, मतलब कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर भरा जा रहा है। उसके बाद में अगला बात कर लेते हैं हम इसका जो है टीयर का। पहला टीयर 1 का जो एग्ज़ाम है वो कैसे होगा, यहाँ पर जो है 4 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे, और टोटल जो है आपका 1 घंटे का होगा और 200 नंबर का। इसके बाद में टीयर 2 का एग्ज़ाम वो लोग देंगे जो टीयर 1 में क्वालिफाई होंगे। यहाँ पर सेशन में दिया गया है मैथमेटिक्स रीजनिंग्स के लिए, आपको यहाँ पर जो है टाइम दिया जाएगा, 30-30 क्वेश्चन लिए जाएंगे और 1 घंटे का, और 40 यहाँ पर इंग्लिश के, और जो है 20 जनरल अवेयरनेस के, इसके लिए आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा। 15 मिनट का टाइम कंप्यूटर नॉलेज के 15 क्वेश्चन के लिए मिलेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मार्क्स यहाँ पर 3 गुने हो जाएंगे आपके, ज़्यादा लिए जाएंगे। और फिर उसके बाद में सेशन 3 जो होगा, इसमें आपको 15 मिनट का जो है स्किल टेस्ट लिया जाएगा, वो भी DEO के लिए अलग लिया जाएगा, LDC और JCA के लिए अलग लिया जाएगा। यदि आपने दोनों के लिए अप्लाई किया है तो आपका दोनों के लिए यहाँ पर लिया जाएगा टेस्ट। उसके बाद में यहाँ पर सिलेबस है जो पूरा आप देख सकते हैं इसका, और सबसे खास बात कि इसमें एक नया नोटिस जारी किया गया है कि आप इसका जो एप्लीकेशन है 4/1/2023 का वेट ना करें, बल्कि इससे जल्द जल्दी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपना आवेदन कर दें। बाद में वेबसाइट में सर्वर प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है, ये लिखा गया है। तो इसका ध्यान रखते हुए आप अपना एप्लीकेशन जल्द से जल्द भर दें। आई होप कि आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए मित्रों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए गुड बाय।